Assalamu alaikum student, this is Anas Surti and now we are going to solve DUHS JSMU past paper. This is 2009 chemistry paper, you can see. इसमें जो पहला सवाल है, जैसे कि मैंने NAD के past paper की भी videos बनाई हुई हैं और अब MCAT की बनाना start करूँ इंशाल्लाह ताला, मैं कोशिश करूँगा कि मैं maximum बना सकूँ. और अब चले देखते हैं, question number 41 है, what is the product of both fermentation reaction and fractional distillation? अच्छा देखें, फर्मेंटेशन का नाम सुनते ही इंटरमीडिएट हो चाहे वो ए लेवल हो चाहे वो फेडरल हो, एक चीज़ जहन में आती है कि यार बच्चों ने अल्कोहल की प्रिपरेशन एथेनॉल की फर्मेंटेशन के प्रोसेस से पढ़ी है, ठीक है. और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का नाम सुनते ही आपके जहन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि आपने क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की है. यहाँ पे बोल रहा है कि एक ऐसी प्रोडक्ट बताओ जो फर्मेंटेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दोनों से बनती है. फर्मेंटेशन का सुनते ही अल्कोहल जहन में आ गया, लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का सुनते ही अल्कोहल जहन में नहीं आ रहा. तो सुने ज़रा, देखें इंटरमीडिएट की बुक में, मैं ए लेवल्स वालों को स्पेशली मुखातब हूँ, इंटर वाला बच्चा पता है उसको, हमारी इंटरमीडिएट की बुक में मिथाइल अल्कोहल को वुड स्पिरिट के नाम से जाना जाता है. अब वो उसको वुड स्पिरिट इसलिए कहते हैं कि किसी ज़माने में लकड़ी से निकाला जाता था. लकड़ी को हम तोड़ते थे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करके, उससे बहुत सारी चीज़ें निकालते थे. उसमें एक चीज़ निकलती थी पायरोलिजीनियस एसिड. पायरोलिजीनियस एसिड के अंदर एसीटोन, एसिटिक एसिड और मिथाइल अल्कोहल पाया जाता है. उससे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके मिथानॉल निकाला जाता था, ये एक पुराना तरीका है. तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पायरोलिजीनियस एसिड आपको मेथानॉल देती है, यानी मेथानॉल एक अल्कोहल है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हासिल किया जाता है या जाता था. और फर्मेंटेशन से तो आपको पता ही है, स्टार्च और मोलेसिस की फर्मेंटेशन से अल्कोहल. तो आंसर हमारा सी है, ठीक है. और इससे आपको ये पता लगा कि मिथाइल अल्कोहल का जो सोर्स था किसी ज़माने में वो लकड़ी थी, तो इसको जब ही हम वुड स्पिरिट के नाम से भी जानते हैं. अच्छा अगला सवाल देखें, ड्यूरिंग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. देखो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ये सबको पता है कि भाई एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से बाय प्रोडक्ट मिलती है. यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट दी हुई है उसमें हमारे पास ऑप्शन डी है, वाटर है. देखें ज़रूरी नहीं है वाटर मिल रहा है, अमोनिया गैस भी मिलती है, लेकिन यूजुअली वाटर मिल रहा होता है, ठीक है. तो हमारे पास आंसर हो जाएगा डी. और आपको पता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के जो प्रोडक्ट हैं इंटरमीडिएट के अंदर, वो नायलॉन 6.6 है, प्रोटीन्स हैं, पॉलिएस्टर है और बेकलाइट, ठीक है. ये पॉलीमराइजेशन से बनते हैं. बेकलाइट की एग्जाम्पल आपको चैप्टर नंबर 6 बुक के अंदर आपको प्रॉपर मिल जाएगी. गिव द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग. भाई देखें ये बहुत आसान सा सवाल है, ये वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप है. आपको इक्वेशन दी हुई है, उसमें रिएक्टेंट का वॉल्यूम गिवन है और रिएक्टेंट का ही वॉल्यूम निकालना है एसटीपी पर. तो ज़रा देख लें इसको मैंने किस तरह सॉल्व किया हुआ है. देखें हमारे पास है C3H8 5O2 और 3 इक्वेशन गिवन है आपसे, वो इसका वॉल्यूम एसटीपी पर पूछ रहा है और इसका वॉल्यूम आपको गिवन है. तो सबसे पहले रिलेशन देख लें, इसके जब 1 मोल हैं तो इसके 5 मोल हैं, जब इसके 1 मोल हैं तो उसके कितने मोल हैं, 5 मोल. तो जब इसके 5 मोल होंगे, 5 लीटर होंगे, तो ये कितने होगा, तो हम इसको 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई. देखें वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप के अंदर जो मोल्स होते हैं वो मोल्स नहीं कहलाते, वो वॉल्यूम कहलाते हैं. तो देखें इसके 1 लीटर हैं तो इसके 5 लीटर हैं, इसके 1 लीटर हैं तो इसके कितने लीटर हैं, 5. जब इसके 5 लीटर होंगे तो हम 5 को 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई. तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 25 लीटर. ये बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये क्लासों में टीचर बड़े ज़ोर से सिखा रहे होते हैं, मास 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 वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, तो आपको आना चाहिए ये, ठीक है. इसी तरह अगला सवाल देखें ज़रा, फॉर द रिएक्शन ऑफ N2. भाई देखो एक चीज़ समझ लो, N2+3H2 2NH3 और कॉन्टैक्ट प्रोसेस SO2+O2 SO3, ये दोनों एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और हमारी बुक में ली चटलर की एप्लीकेशन में बताए गए. अब देखो ज़रा, N2+3H2 2NH3 एक्सोथर्मिक है. आपको पता है एक्सोथर्मिक के बारे में, और इसमें मोल्स ऑफ रिएक्टेंट भी ज़्यादा हैं प्रोडक्ट के मोल से. तो ली चटलर के मुताबिक इस रिएक्शन का टेम्परेचर कम होना चाहिए, क्योंकि वो कहता है जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है उसमें लोअर टेम्परेचर फेवरेबल होता है, और रिएक्टेंट के मोल्स जब ज़्यादा होते हैं तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट के प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है. और वह कहता है कि कैटलिस्ट के इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं होता, और कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन या हाइड्रोजन के बढ़ाने से जो है ना वो आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ज़्यादा बनेगी. ये सारी बातें किसने बताई, ली चैटलियर ने बताई, ठीक है. किसने बताई, ली चैटलियर ने. देखो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, ली चैटलियर के हिसाब से N2+3H2 2NH3 वाला रिएक्शन में प्रेशर ज़्यादा, टेम्परेचर कम
और कंसंट्रेशन के लिहाज से N2 और H2 की कंसंट्रेशन बढ़ानी चाहिए, ठीक है बच्चों। लेकिन ये तो प्योर लीच एटलियर लॉ है ना, लेकिन इंडस्ट्री लीच एटलियर को फॉलो ही नहीं करती बच्चों। इंडस्ट्री के मुताबिक इसका टेम्परेचर होता है कोई 450 से 500 डिग्री, और प्रेशर अच्छा खासा होता है, प्रेशर भी जो है ना ज़्यादा होता है, 200 और 250 ATM होता है, आई डोंट नो एग्जैक्टली बुक में आप देखिएगा, लेकिन प्रेशर भी हाई होता है, ऑलमोस्ट 200 ATM होता है, सही है। तो बहरहाल प्रेशर वाली बात तो चलो हमने लेट सपोज 200 ATM कंसिडर कर लिया, एक्चुअल वैल्यू देख लीजिएगा, मैं अगेन बार बार कह रहा हूँ, लेकिन प्रेशर ज़्यादा ही मिलेगा आपको। हाँ, तो प्रेशर तो ज़्यादा है, वो लीच एटलियर ने भी कहा है कि प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन जो है ना टेम्परेचर लीच एटलियर के मुताबिक क्या होता है कि वो कम है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर इंडस्ट्री ने क्या रखा हुआ है ज़्यादा। अच्छा, लीच एटलियर कहता है कैटलिस्ट के कोई इफेक्ट नहीं होता, तो यहाँ पर इंडस्ट्री जो है ना कैटलिस्ट भी ऐड करती है। तो अब इसकी वजह ज़रा समझ लें, देखें अगर लीच एटलियर के मुताबिक अगर हम लीच एटलियर के मुताबिक टेम्परेचर को कम करें तो ये प्रोसेस कमर्शियल से अनकमर्शियल हो जाता है, और जब प्रोसेस अनकमर्शियल हो जाता है तो इंडस्ट्री को नुकसान होता है। तो इंडस्ट्री क्या करती है जो है ना टेम्परेचर को बढ़ाती है ताकि प्रोसेस कमर्शियल रहे। क्यों? टेम्परेचर को बढ़ाने से स्पीड ऑफ रिएक्शन ज़्यादा मिलेगी, यहाँ पर स्पीड ऑफ रिएक्शन कम होगी लेकिन प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगी। स्पीड ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर कम होने पर क्या होगी? कम होगी, प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगी। तो इंडस्ट्री कहती है स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, अब अगर प्योरली टेम्परेचर पर रिलाई कर दिया जाए तो टेम्परेचर इतना बढ़ाना पड़ेगा कि प्रोडक्ट पे बहुत अफेक्ट पड़ेगा। तो उन्होंने टेम्परेचर के साथ साथ कैटलिस्ट भी इंट्रोड्यूस करवा दिया ताकि दोनों मिलकर स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएं, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ कि लीच एटलियर के मुताबिक टेम्परेचर कम होना चाहिए, लेकिन लीच एटलियर को अगर फॉलो किया जाए तो स्पीड ऑफ रिएक्शन बहुत कम होगी और यील्ड ज़्यादा मिलेगी। स्पीड ऑफ रिएक्शन के कम होने से रिएक्शन अनकमर्शियल होगा, तो इंडस्ट्री रिएक्शन को कमर्शियल बनाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाती है, और टेम्परेचर पे सिर्फ रिलाई नहीं करती साथ में कैटलिस्ट भी डालती है जाके रिएक्शन की स्पीड क्या हो बढ़ जाए, ठीक है। तो आपके पास आंसर यहाँ पे हो जाएगा हाई प्रेशर एंड कैटलिस्ट, ठीक है, यही ऑप्शन सूटेबल नज़र आ रहा है ए। अच्छा, द रेंज ऑफ द पीएच बिलो एंड अबव ऑफ सोइल रिप्रेजेंट स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी का मतलब बंजर। तो भाई देख लो, 3 से कम और 10 से ज़्यादा, 3 से कम एसिडिटी हो जाएगी, 10 से ज़्यादा बेसिसिटी हो जाएगी, तो सोइल स्टराइल हो जाती, इसकी वजह से हमें ये रेंजेस बताई गई हैं। तो ऑप्शन सी है, इफ़ द NaCl प्रोड्यूस इन द इक्वेशन वॉज डिजॉल्व इन वाटर टू मेक अ लीटर ऑफ सोल्यूशन। मोलैरिटी पूछी हुई और इक्वेशन बताई हुई। देखो, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब तुम लोगों को सवाल में जो है ना वॉल्यूम तो गिवन है लेकिन मोल्स का नहीं पता, तो भाई ज़रा देखें, हमने इक्वेशन को बैलेंस कर लिया, पहले इक्वेशन को लिख के बैलेंस कर लिया, तो NaCl के इक्वेशन के हिसाब से मोल्स कितने हैं? 3। NaCl के मोल्स पता लग गए, वॉल्यूम 1 लीटर था, मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम के मोलैरिटी आ गई, ठीक है। इक्वेशन को बैलेंस करने, सवाल में इक्वेशन बैलेंस नहीं गिवन है, सवाल में इक्वेशन बैलेंस नहीं है, आपने सबसे पहले इक्वेशन लिख के बैलेंस किया, नंबर ऑफ मोल्स NaCl के कितने आ गए? 3। वॉल्यूम कितना है? 1। 3/1 कितना हो गया? मोलैरिटी 3 आ गई, ठीक है बच्चों। अच्छा भाई, वेन 18, देखें ये बहुत लंबा छोटा सा सवाल है, इसको देखने से आपको वाजे नज़र आ रहा है ये सवाल एस्टरीफिकेशन का है। भाई एक बात अक्सर जो है ना आपको देखने में नज़र आएगी कि जो एस्टरीफिकेशन के रिएक्शन होते हैं उनके केसी की वैल्यू होती है 4। तो सीधा सीधा अब आपको जब अंदाज़ा हो गया है कि एसिटिक एसिड को इथाइल अल्कोहल से मिला रहे हैं और एस्टर और वाटर बन रहा है, तो आपको पता है एस्टरीफिकेशन है, तो एस्टरीफिकेशन के केसी जब 4 होता है तो आप क्यों इतना मत्थाखोरी कर रहे हैं और पूरी कैलकुलेशन कर रहे हैं? सीधा सीधा आप जो है ना केसी की वैल्यू 4.04 लगा लें, बाकी अगर करना है शौक है पूरा तो फिर आप प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन इथाइल एसिटेट और वाटर को ऊपर रखें और एसिटिक एसिड और अल्कोहल को नीचे रखें और दोनों की वैल्यू को डिवाइड करवाएं, यू विल बी गेटिंग द आंसर अगेन 4.04। तो सीधा सीधा आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, कोई भी एस्टरीफिकेशन का रिएक्शन हो। अच्छा, अब किसी भी वैल्यू के साथ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 48 में हार्मफुल एंड अनडिजायरेबल रिएक्शन ऑफ मेटल। सबको पता है कोरोजन होती है, ये एक हार्मफुल और अनडिजायरेबल रिएक्शन मेटल के साथ क्या होगा? यही होगा कि जब वो एटमोसफेयर में रखा हुआ है तो कोरोजन होगी, डी ई है आपका। कैटिनेशन इज अ प्रोसेस, देखिए कैटिनेशन ही तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुनियाद है। कैटिनेशन का मतलब है कार्बन लॉन्ग चेन बना रहा है, ब्रांच बना रहा है, रिंग बना रहा है, यही तो कार्बन की प्रॉपर्टी है जो कि जो है ना उसको दूसरे लोगों से मुमताज़ करती है। इसी वजह से 118 एलिमेंट में से 117 के लिए इनऑर्गेनिक बना दी, एक के लिए ऑर्गेनिक बना दी, एक के लिए ऑर्गेनिक इसलिए बनाई कि कैटिनेशन थी। और आपको ये बात मैं मालूमात में इजाफा कर दूँ कि कैटिनेशन इस ग्रुप के तमाम मेंबर में होती है, यानी कार्बन ग्रुप 4th का मेंबर होता है ना, ग्रुप 4th A का,
और ए लेवल्स के हिसाब से ग्रुप 14 का, तो ग्रुप 14 और फोर्थ ए के मेंबर के अंदर जो है ना कार्बन के नीचे सिलिकॉन जर्मेनियम टिन, ये तमाम मेंबर में क्या होती है कैटिनेशन लेड के अलावा, जो इसमें लेड है ना लेड में कैटिनेशन नहीं होती। ठीक है, जब भी आपको पता है सिलिकॉन के सेकेंड अबंडेंट कंपाउंड्स हैं दुनिया में, क्यों, क्योंकि सिलिकॉन के अंदर भी कैटिनेशन है। विच गैस इज़ लाइकली टू डिविएट मोस्ट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, भाई देखो जब कभी भी ये बात आ गई ना आपके पास कि कौन सी गैस डिविएट करती है और कौन सी गैस बिहेव करती है, देखो असल डिविएशन का जो पॉइंट है ना वो आइडियल गैस से डिविएशन का पॉइंट कब आता है, जब फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होना शुरू हो जाती है। और फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कब होती है, जब हमारी गैस का मॉलिकुलर मास क्या होता है ज़्यादा होता है, बल्की गैस होती है, तो बल्की जो गैस होगी ना जिसका मॉलिकुलर मास ज़्यादा होगा उसके मॉलिकुल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो जब मॉलिकुल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो आइडियल गैस के मॉलिकुल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती तो वो डिविएट कर जाएगी आइडियल बिहेवियर से। तो ऐसे ऑप्शन आपके पास ए हो जाएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा मॉलिकुलर मास उसी का बन रहा है। ठीक है, और अगर मैं बोल दूँ कि इन चार ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा आइडियली बिहेव कौन करेगी, तो देखो जिसका मॉलिकुलर मास कम है यानी हीलियम का, वो आइडियली बिहेव करेगी। ठीक है, आइडियल बिहेवियर करने के लिए मॉलिकुलर मास कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, आइडियल से डिविएट करने के लिए मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, यानी एक पॉइंट है जो कि आइडियल से मैच और आइडियल से जो है ना डिसमैच करवा रहा है इन एमसीक्यू, इस तरह के एमसीक्यू में। वैसे दूसरा एक पॉइंट भी होता है नेग्लिजिबल वॉल्यूम वाला। बहरहाल इस एमसीक्यू में कौन सा पॉइंट है कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और वो मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो वो आइडियल से डिविएट कर जाएगी। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इन ऑर्बिटल, भाई सबको पता है ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आते हैं। ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है, ऑर्बिटल का मतलब पी थोड़ी होता है, पी एक्स होता है, पी वाई होता है, पी जेड होता है, डी एक्स वाई होता है, डी वाई जेड होता है, हर इन्हीं एक डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स की बात की जा रही है उसमें मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल ज़रूरी नहीं है नेगेटिव चार्ज के साथ हो, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ भी होता है। OH के पास नेगेटिव चार्ज है, NH3 के पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है, लोन पेयर CN के पास नेगेटिव चार्ज होता है, NH2 के पास भी लोन पेयर होता है, ये सारे न्यूक्लियोफाइल हैं। लेकिन रह गया BF3, BF3 में बोरोन जो है वो SP2 हाइब्रिडाइज्ड है। SP2 हाइब्रिडाइज का मतलब इसका S का एक PX और PY बना चुके हैं बॉन्ड, PZ खाली है, तो इसके एम्प्टी PZ ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है वो लुविस एसिड होता है और वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन की तलाश में फिरता है। तो इसका PZ एम्प्टी है, PZ एम्प्टी क्यों है, BF3 में SP2 हाइब्रिडाइजेशन है और SP2 हाइब्रिडाइजेशन की निशानी सेंट्रल एटम विदाउट लोन पेयर हैव 3 एटम, सेंट्रल एटम के साथ जो कि ऐसा सेंट्रल एटम जिसके पास कोई लोन पेयर ना हो उसके साथ कितने एलिमेंट लगे हैं वो 3, तो वह SP2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो SP2 हाइब्रिडाइजेशन में S का एक PX PY यूटिलाइज हो गए, PZ खाली है, PZ खाली में ये मजीद इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लेगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन की तलाश में होता है, बाकी जितने हैं सब इलेक्ट्रॉन से भरपूर हैं वो न्यूक्लियोफाइल हैं। 53 में आ जाएँ, प्योरीफिकेशन ऑफ बॉक्साइड हूज मेजर इम्प्योरिटी, भाई देखो ए लेवल्स वाले बच्चों ये इंटरमीडिएट के अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम है एक्सट्रैक्शन ऑफ एलुमिनियम, वो पूरा प्रोसेस है उसमें ज़मीन से एलुमिनियम के एक और बॉक्साइड को Al2O3 को Al2O3.NH2O को निकाल कर उससे हम पहले प्योरीफिकेशन करते हैं, प्योरीफिकेशन से फिर रिफाइनिंग कम्प्लीट उसको लेकर आते हैं। मैं चेन दिखा देता हूँ, देखें इस तरह होता है, हमने ज़मीन से निकाला Al2O3.NH2O, ये बॉक्साइड कहलाता है, ये वो सबसे चीफ ओर होता है एल्यूमिनियम का बॉक्साइड। ठीक है, ये ज़मीन से निकाला हमने। ठीक है, अब मैं इसकी सबसे पहले करूँगा प्योरीफिकेशन, और प्योरीफिकेशन के कितने मेथड हैं, 3, सही है, और उसके बाद ये प्योरीफिकेशन के बाद हमें मिलेगा Al2O3 में, फिर इसकी हम करेंगे रिफाइनिंग इलेक्ट्रोलाइटिक, फिर हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे इस एलुमिना की, इसको कहते हैं Al2O3 को कहते हैं एलुमिना या एलुमिनियम ऑक्साइड, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस से एलुमिनियम मिलता है, फिर एलुमिनियम की रिफाइनिंग से बिल्कुल प्योर एलुमिनियम मिलता है 99.99%, ये 99% होता है, फिर फर्दर प्योरिटी के लिए एक और दफ़ा रिफाइनिंग करता है। तो देखो Al2O3 ज़मीन से निकाला, प्योरीफिकेशन के 3 मेथड है, प्योरीफिकेशन के बाद क्या मिला Al2O3, फिर इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद क्या मिला एलुमिनियम। तो जो प्योरीफिकेशन के 3 मेथड हैं उनके ऊपर बात पूछी गई है। तो प्योरीफिकेशन के 3 मेथड देखो, एक होता है बायर्स मेथड, एक होता है हॉल्स मेथड, एक होता है सरपेक्स मेथड। बायर्स मेथड उस वक्त यूज़ किया जाता है
है जब आपके पास जो है ना यहाँ पे आयरन एज ए इम्प्योरिटी मौजूद हो, और हॉल्स मेथड उस वक़्त जब आयरन और सिलिका दोनों का मिक्सचर हो, और सर्पेक्स मेथड कब यूज़ होती है जब आपके पास सिर्फ सिलिका एज ए इम्प्योरिटी मेजर हो सर्पेक्स मेथड। तो ये आपको चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो है ना ये आपको पूरा प्रोसेस मिल जाएगा इस बुक 2 चैप्टर नंबर 4 पी ब्लॉक में। तो बोल रहे हैं कि जब मेजर इम्प्योरिटी सिलिका हो तो सर्पेक्स मेथड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्लोरीन इज मैन्युफैक्चर्ड कमर्शियली बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड ब्राइन, व्हाट अदर प्रोडक्ट। एक्वस सोडियम क्लोराइड की यानी ब्राइन की, ब्राइन को कहते हैं 28% वेट बाय वेट सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl, क्लोरीन है वहाँ से निकलता है उसके इलेक्ट्रोलिसिस से। बाकी प्रोडक्ट क्या मिलती है भाई, बाकी प्रोडक्ट हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगी। देखो ना भाई, NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड पर सोडियम मिलेगा चूँकि एक्वस है, तो पानी के साथ मिलकर क्या बना लेगा NaOH, प्लस ये के हाइड्रोजन भी होगा क्योंकि पानी जब डिकम्पोज होगा तो H प्लस भी देगा तो हाइड्रोजन गैस भी मिलेगी। बाकी क्लोरीन और ऑक्सीजन कहाँ पे मिलेंगे, आपको एनोड पे मिलेंगे। ठीक है, तो सी हो जाएगा आंसर। सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर मोर विग्रसली देन लिथियम, भाई सीधी सीधी सी बात है, जो वाटर के साथ विग्रसली रिएक्ट कर रहा है मतलब वो ज़्यादा शिद्दत से इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहता है, जो ज़्यादा शिद्दत से इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहते हैं वही तो वाटर के साथ विग्रसली रिएक्शन करेंगे और वो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं वो जो है ना इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा लॉस करना चाहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा लॉस करना चाहते हैं वो रेडिली वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, वो सी आंसर हो जाएगा। द क्रिस्टल फॉर्म बाय द रिजल्ट ऑफ वेंडर वॉल इंटरेक्शन, ठीक है भाई, वेंडर वॉल इंटरेक्शन से जो क्रिस्टल बनता है, वेंडर वॉल फोर्स बेसिकली इंटर मोलिकुलर फोर्स को कहते हैं जो कि बिटवीन मॉलिक्यूल होती है, और वो आपको पता है कि वो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसमें लंदन डिस्पर्जन फोर्स होती है, उसमें डैपल डैपल फोर्स होती है, तो मॉलिकुलर क्रिस्टल होगा ना। कोवेलेंट क्रिस्टल में तो सीधा सीधा कोवेलेंट बॉन्ड है जो कि इंट्रा मोलिकुलर फोर्स है, मेटेलिक क्रिस्टल में भी इंट्रा मोलिकुलर फोर्स है, आयनिक भी, ये मॉलिकुलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान वैन डर वाल फोर्स होती है तो मॉलिकुलर क्रिस्टल बनेगा। जैसे कि आइस, नेप्थिलीन, बेंजोइक एसिड, ये सब के सब किसकी एग्जाम्पल है मॉलिकुलर क्रिस्टल की। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्शन और कैटलिस्ट प्रोडक्ट। भाई प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन का प्रोडक्ट, ठीक है, तो आंसर भी हो जाएगा। द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मैं बार बार कह रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का थियोरेटिकल तरीका क्या क्या होता है कि जो आपने रेट एक्सप्रेशन बनाई है उसमें जो आपके पास कंसनट्रेशन है ना उनकी जो एक्सपोनेंट है उनका समेशन ऑर्डर कहलाता है, वरना अदरवाइज एक्सपेरिमेंटली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला जाता है। ये ए लेवल्स वालों को बात थोड़ी सी मुश्किल से हजम होती है लेकिन मैं उनको बता देता हूँ। लेट सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी और सी और डी, अब मैं आपसे कहता हूँ इसका ऑर्डर निकालो, तो आप क्या करोगे, इसकी रेट एक्सप्रेशन, रेट एक्सप्रेशन क्या होगी यानी किसी भी रिएक्शन की स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के। अब इसकी पावर क्या है, एक्सपोनेंट इसका क्या है, वन, इसका भी एक्सपोनेंट क्या है वन, एक्सपोनेंट का सम कितना आ जाएगा बच्चों, ऑर्डर है वन प्लस वन टू, ये इसका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ये थ्योरेटिकल तरीका है, इंटर में गिवेन है तो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सपोनेंट का सम जो होता है बेटा वो क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। द नेसन हाइड्रोजन यूज्ड, अगेन ए लेवल्स वाला बच्चा यहाँ पे फिर परेशान होता है, इंटर वाला बच्चा उसको पता होता है, नेसन हाइड्रोजन बेटा एटॉमिक हाइड्रोजन का एक दूसरा नाम है, एटॉमिक फॉर्म में ही होती है, बस ये इंटर के शशक हैं थोड़े से, आप जरा सुन लो। नेसन हाइड्रोजन उस हाइड्रोजन को कहते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस हो। हादसाती तौर पे आप दो चीज़ों को मिला रहे हो, देखो हाइड्रोजन पैदा होगी एटॉमिक फॉर्म में, उसको नाम देंगे नेसेंट का मतलब न्यूली बॉर्न, और बकायदा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को डिसोसिएट कर रहे हो आप, वो हाइड्रोजन एटॉमिक है। देखो ना मैं आपको समझा देता हूँ भाई, देखें हमारे वहाँ जो है ना क्या है मसला क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरह हम छोटी छोटी चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करके जो है ना मामला ख़राब कर रहे हैं। भाई मेरे पास है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, मैं 5000 डिग्री सेंटीग्रेड देके इसको एटॉमिक हाइड्रोजन में तोड़ रहा हूँ, एटम में तोड़ रहा हूँ, सिंगल सिंगल रेडिकल, ये मैं कहला रहा हूँ एटॉमिक हाइड्रोजन। ये क्या कहलाएगा, व्हेन हाइड्रोजन फाउंड इज इन एटॉमिक स्टेट एंड प्रोड्यूस्ड बाय द डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन दैट विल कंसिडर्ड एज एटॉमिक। नाउ कम टू द नेसन हाइड्रोजन, नेसन हाइड्रोजन का सीन क्या है, देखो जब कभी भी किसी मेटल को किसी भी एसिडिक बिहेवियर रखने वाली चीज़ से मिलाओगे ना, ये बार बार सुन लो, एसिडिक बिहेवियर, जैसे कि HCl एसिडिक बिहेवियर रखता है तो होगा क्या, ये बनेगा ZnCl2 plus H, तो ये जो H है ना
जो एसिडिक बिहेवियर की वजह से निकला है, ये एच क्या कहलाएगा, ये भी एटॉमिक फॉर्म में, इसको हम कहते हैं नेशन हाइड्रोजन। तो व्हाट डू यू मीन बाय द नेशन हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन जो कि किसी भी रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस हो जाए तो वो नेशन हाइड्रोजन कहलाती है। बाकी बाकायदा मॉलिकुलर हाइड्रोजन को तोड़ के जो हाइड्रोजन मिलेगी उसको कहेंगे एटॉमिक हाइड्रोजन। अब मैंने कहा एसिडिक बिहेवियर रखने वाली चीज़ है, तो सर ये भी है, जैसे कि जिंक को एथेनॉल के साथ मिला दो, एथेनॉल एसिडिक बिहेवियर रखता है, बिल्कुल अपना एच प्रोटॉन रिलीज करता है, तो इस रिएक्शन के अंदर भी जो हाइड्रोजन मिलेगी बच्चों वो भी नेशन हाइड्रोजन होगी। इसी तरह सर एक और एग्जांपल भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH, ये भी अपना एसिडिक बिहेवियर रखता है, बिल्कुल जो हाइड्रोजन यहाँ पे मिलेगी। फेनोल, फिनोल के साथ करवा दो, फिनोल एसिडिक बिहेवियर रखता है, बिल्कुल रखता है। तो किसी भी मेटल को किसी ऐसी चीज के साथ रिएक्शन करा दो जो कि एसिडिक बिहेवियर रखे और अपना एच प्रोटॉन रिलीज करे, तो उससे जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा वो हाइड्रोजन नेशन हाइड्रोजन कहलाएगा। तो जल्दी से देखो ऑप्शंस के अंदर जिंक प्लस NaHCO3 नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, NaHCO3 एसिडिक बिहेवियर थोड़ी रखता है, H2O भी नहीं, H2O न्यूट्रल होता है, जिंक पे तो H2O CHI3 नहीं, HCl लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। जायमेस, अ ग्रुप ऑफ 14 यूज्ड इन द फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च प्रेजेंट इन ईस्ट। सीधा फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च बुक में खोलें, बाकायदा उन्होंने नाम लिखे हुए, सीधे सीधे जाके याद कर लें। द जनरल फार्मूला ऑफ अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का जनरल फार्मूला क्या होता है, RCHO अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप। व्हेन एन एलिमेंट इज मोर देन, एलिमेंट की बात कर रहा है, कंपाउंड की बात नहीं कर रहा, तो ये एलोट्रॉपी होती है, ठीक है, एलोट्रॉपी होती है कि एक से ज़्यादा फॉर्म में पाया जाए इसको एलोट्रॉपी। प्लास्टर ऑफ पेरिस, भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो पहला फार्मूला लिखा हुआ है वो कॉपर सल्फेट का दिया हुआ, ये तो नहीं होता। दूसरा है कैल्शियम सल्फेट, ये होता है लेकिन फार्मूला सही प्रॉपर नहीं है। तीसरा वाला जो फार्मूला है ना CaSO4 का, कैल्शियम सल्फेट डॉट H2O, ये है असल क्या हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और MgSO4.7H2O ये एप्सम सॉल्ट का है, और Na2SO4.H2O ये सोडियम सल्फेट का है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा ये आपको। अच्छा, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन, बेटा आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के नाम से एक थ्योरी पढ़ी है, उसमें वो कहता है जब कभी भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियरली कंबाइन होते हैं तो लीनियरली कम्बिनेशन से या तो उनमें बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है या एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है। तो लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जब कभी भी होगा या तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा या एंटी मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है। बॉन्डिंग में बॉन्ड बन जाता है, एंटी बॉन्डिंग में बॉन्ड नहीं बनता। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो है ना मामला आता है ये। चाहे तो मैं आपको बता देता हूँ लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। देखें, लेट्स सपोज ये मेरे पास हाइड्रोजन का एक एटम है, ये एक हाइड्रोजन का एक एटम है, ये इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। अगर इस इंस्टेंट ये दोनों एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और लीनियर कॉम्बिनेशन करते हैं अलॉन्ग न्यूक्लियर एक्सेस, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, यानी न्यूक्लियर एक्सेस पर रहते हुए ये दोनों कंबाइन हो और दोनों के इलेक्ट्रॉन अलाइन है, सामने सामने है, तो अगर इस इंस्टेंट ये दोनों कंबाइन होते हैं तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे, यानी बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा दोनों के न्यूक्लियस के दरमियान, दोनों के इलेक्ट्रॉन आके बॉन्ड बना लेंगे, इसको कहते हैं BMO बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पर हुआ, ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पर हुआ, अब खाली खाली दो न्यूक्लियस टकरा रहे हैं, उनके सामने उनके इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर इस इंस्टेंट पर ये दोनों टकराते हैं तो बेटा दो न्यूक्लियस खाली खाली टकराएंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव से टकराने आ रहा है तो रिपल्जन होगी, रिपल्जन की वजह से शक्ल बिगड़ जाएगी, शक्ल बिगड़ने के साथ साथ गैप आ जाएगा, इस गैप को क्या कहते हैं, नोडल प्लेन, नोडल प्लेन है। और नोडल प्लेन क्यों आया, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस में रिपल्जन थी और स्टिल दोनों में बॉन्ड नहीं बना, इसको कहते हैं ABMO एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो जब कभी भी लीनियर कम्बिनेशन ऑफ टू अटोमिक ऑर्बिटल होता है तो या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बॉन्डिंग मोलिकुलर, या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा तो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर। बिल्कुल वेव वाला आइडिया है बेटा, वेव, तुम इसको ऑर्बिटल नहीं कंसिडर करो, उसको वेव कंसिडर करो, दो वेव टकराने जा रही हैं, दो वेव टकराने जा रही है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, दो ऑर्बिटल टकराने जा रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया बॉन्डिंग, दो वेव टकराने जा रही है लेकिन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया एंटी बॉन्डिंग। डिस्ट्रक्टिव के मैंने रीजन बता दिया, इलेक्ट्रॉन अलाइन नहीं है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट के पीछे, इलेक्ट्रॉन यहाँ के बजाय पीछे, खाली खाली ऑर्बिटल टकरा रहे हैं, खाली खाली न्यूक्लियस, न्यूक्लियस न्यूक्लियस में क्या होगी बेटा, स्ट्रॉन्ग रिपल्जन, रिपल्जन की वजह से एक तो शक्लें बिगड़ेंगी। देखें, आप किसी को जब देखना नहीं चाहते तो आपकी भी शक्ल ख़राब हो जाती है उसको नहीं देखने, तो इस वजह से आप भी नहीं चाहते ना उसको देखें, तो बिल्कुल इस तरह ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे इसलिए इन्होंने अपनी शक्ल ख़राब हो गई, और रिपल्जन की वजह से दूसरा नोडल प्लेन आ गया, और नोडल प्लेन का मतलब वो जगह जहाँ इलेक्ट्रॉन ना हो, इस रीजन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन वाला ये हो गया कहानी। अब आ जाते हैं हम अगले के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट H2S इज फॉल्स। H2S फॉल्स के बारे में देखें, ई वाली स्टेटमेंट क्या लिखी हुई, इट इज़ अ वीक बेस, बेटा एसिड होता है, वीक एसिड होता है, जिसके पास H प्रोटॉन होते हैं वो एसिड होता है, ठीक है, तो ई जो है ना बात गलत है।
अब आ जाते हैं हम लोग द रेन ड्रॉप। भाई रेन ड्रॉप स्फेरिकल शेप का सरफेस टेंशन की वजह से होता है और स्प्रेड ऑफ ब्लॉटिंग पेपर इन जो है ना ये एडहेसिव फोर्सेस है। तो इस सवाल का आंसर रेन ड्रॉप स्फेरिकल शेप वाला जो है ना वो सरफेस टेंशन की है। ठीक है, तो आप ऑप्शन ए लगाएंगे। 950 टॉर्क क्रॉसपॉन्ड टू 760 से डिवाइड कर दें। टॉर्क को ATM में लाने के लिए 760 से डिवाइड करते हैं क्योंकि 1 ATM बराबर होता है 760 टॉर्क के। तो 950 को 760 से डिवाइड करने से आंसर डी आएगा। द एंथैल्पी चेंज अकॉम्पेनिंग द गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूट्रल गैसेस एटम टू फॉर्म गया। भाई जब कभी भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पहला गेन करता है तो रिलीज होती है, दूसरा गेन करता है तो जो है ना एब्जॉर्ब करानी पड़ती है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन को ओवरकम करने के लिए। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय द हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑप्शन बी। ये हमारा हो गया 70 क्वेश्चन। द हीट ऑफ रिएक्शन, सबको पता है हीट ऑफ रिएक्शन कौन सा लॉ निकालता है, हैसेज लॉ, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस बताता है, जूल्स लॉ। कुछ जूल्स लॉ जो है ना वो टोटल हीट इनपुट हीट आउटपुट बताता है। फेराडे लॉ आपको पता है इलेक्ट्रोलिसिस के होते हैं। बॉयल्स लॉ प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन बताता है। हैसेज लॉ है जो हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबशन बता रहा होता है। ठीक है, तो ये 2009 का इख्तिताम हुआ। अस्सलाम वालेकुम। कोई बात पूछनी हो तो मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप उससे पूछ लीजिएगा मुझसे।